मशरूम नूडल्स बनाने के लिए मैंने एक बड़े मुंह वाली कढ़ाई ले ली है और गैस चालू कर उस कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दी। अब 3 टेबलस्पून ऑयल मैं ले रही हूँ। ये 400 ग्राम नूडल्स मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। ग्राम स्लाइस्ड मशरूम और 4 हरे प्याज ले लिए हैं। गार्लिक, रेड, ग्रीन एंड येलो कैप्सिकम एक एक मैंने ले लिया है। इसमें सॉस पड़ेगी शेजवान सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो गया उसमें मैंने गार्लिक के टुकड़े डाल दिए। आपको ध्यान रखना है कि गार्लिक के टुकड़ों को रेड नहीं करना है, वो जब थोड़े कच्चे हों तभी उसमें हम सबसे पहले मशरूम डाल देंगे। मशरूम स्वाद में कभी भी कच्चे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने सबसे पहले मशरूम डाल दिए हैं। अब इनको मैं अच्छे से भूनने दूंगी। देखिए मशरूम ने अपना पानी छोड़ दिया है और जब वह पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा उसी के बाद दूसरी सब्जियां पड़ेंगी। अब आप देख सकते हैं कि मशरूम का सारा पानी सूख गया है, ड्राई हो चुके हैं मशरूम बिल्कुल। अब इसमें मैं सबसे पहले मैंने जो 4 हरे प्याज थे जिनको मैंने बारीक काट कर रखे थे वो डाल दूंगी। रेड, येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम, मैंने एक रेड, एक येलो और एक ग्रीन कैप्सिकम लिया था, वो तीनों के भी मैंने स्लाइस करके रखे थे वो डाल दिए। कैप्सिकम और ऑनियन नूडल्स में कच्चे अच्छे लगेंगे, इसलिए इसे ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस इसे सिर्फ 2 मिनट तक चलाना है। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि सब्जियों में ऑयल कम है। ये मैंने नमक डाला है सब्जियों के हिसाब से, लेकिन फिर भी मुझे सब्जी में अभी भी ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं सब्जी के बीच में एक छोटा सा खड्डा करके इसमें 2 स्पून ऑयल डाल दूंगी। अब मुझे लग रहा है कि इतना तेल इतनी सब्जी और नूडल्स के लिए काफी रहेगा। अब जो मैंने 400 ग्राम नूडल्स बॉईल कर रखे थे जिनमें मैंने ठंडा पानी डाला था जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके नहीं है, आप देख सकते हैं कितने खुले खुले बने हैं ये नूडल्स, वो मैं डाल दूंगी। हमने सब्जी में सॉल्ट डाला था तो उसी हिसाब से मैं नूडल्स के माप के हिसाब से अब सॉल्ट डाला है मैंने।
मैंने एक चम्मच भर के शेजवान सॉस डाल दिया। चार चम्मच भर के मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। और एक चम्मच भर के मैंने चिली सॉस डाल दिया। अब मैं नूडल्स, सब्जी और सॉस सबको बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स कर दूंगी। और जब ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएंगे, तब 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। हमारे गर्मा गर्म मशरूम नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं।